अगर आप भिंडी खाने के शौकीन हैं तो एक बार इसको इस तरह से बनाकर जरूर देखिए, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, सोनियाज किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं दही मसाला भिंडी को इस आसान तरीके से घर में कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 500 ग्राम भिंडी ली है, इनको अच्छे से धो के सुखा लिया है। और अब हम देखते हैं इसको कैसे काटेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल हेड और टेल काटते हैं, इस तरीके से काट लें। और फिर इसको बीच में से मैंने दो पीस किए हैं, थोड़ा मैं बड़ा ही पीस रख रही हूँ। और अब बीच में से इसको आधे इस पर चीरा लगाएंगे, पूरा नहीं लगाएंगे, जिससे कि मसाला अच्छे से इसमें मिल जाए। और सारी की सारी भिंडी हम ऐसे ही काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो अपनी सारी भिंडी जैसे ही काट लेंगे, चलते हैं अगले प्रोसेस पर। क्योंकि दही मसाला भिंडी है तो हम यहाँ पर दही ले रहे हैं। तो दही मैंने एक कप लिया है, ये मार्केट वाला दही है। और अब मैं इसमें मिला दूंगी यहाँ पर ये जीरा पाउडर, और अब मैंने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, और ये मैंने डाला है गरम मसाला, और यहाँ पर काली मिर्च, और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। चाहे तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी नॉर्मल वाला मिला सकते हो, बिल्कुल लम फ्री बैटर बनाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और मैं इसको सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी तेल में बना सकते हो। तो सरसों के तेल का प्रोसेस होता है, पहले हम इसको धुआं निकलने तक हीट करते हैं, फिर हम गैस को बंद कर देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाता है तब हम इसमें अपना प्रोसेस करते हैं। हमेशा सरसों के तेल में ऐसे ही सब्जी को बनाएं। तो देखिए, इसमें मैंने ये भिंडी डाल दी, जो सारी की मैंने इसी तरह से सारी की सारी काटी हैं। और इनको बिल्कुल हम यहाँ पर सिर्फ सौते नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इनको 60-70% कुक करेंगे, जिससे कि बाद में हम इसको अपने मसाले में मिला सकें। देखिए ये हो चुकी हैं हमारी कुक, और अब हम इनको निकाल लेंगे यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही अच्छा वे है ये भिंडी को इस तरीके से बनाने का, मुझे बहुत पसंद आया है ये तरीका। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल लिया है, सरसों का तेल, और मैं उसी प्रोसेस से इस तेल को हीट करूँगी। और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी है, यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और ये मैंने प्याज डाला है यहाँ पर, और अदरक और लहसुन भी मैंने इसी में ही चॉप किया है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से भी ले सकते हैं। और इसको ब्राउनिश होने तक हम यहाँ पर कुक करेंगे। देखिए ये बिल्कुल ब्राउनिश हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो आप यहाँ पर सिंपल वाली भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे देखिए इसको मिक्स किया है, मैंने गैस को बंद कर दिया। मैं इसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि अब हम यहाँ पर अपना दही का बैटर डालेंगे, तो उससे क्या होता है दही को फटने के चांसेस भी रहते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च भी बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट एक हमारा इंग्रेडिएंट है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए यहाँ पर, और अब हम अपनी गैस को ऑन कर देंगे ये देखिए। और अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ढककर पकाएंगे ये देखिए। तो एक मिनट की कुकिंग यहाँ पर बहुत है। तो जैसे ही देखिए इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगता है, तेल हमारा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो पूरी प्रोसेस में नमक हम सिर्फ इसी बार डाल रहे हैं इसमें, ये देखिए। बस अब हम इसमें जो हमारा बचा हुआ दही का जो मटेरियल है, उसका हम इस तरह से उसको यूज़ करेंगे। हल्का सा पानी डाला है, इसकी ग्रेवी वाले ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो भिंडी ऐसे भी डाल सकते हो, बट ग्रेवी और जूसी इसमें जो टेक्सचर आता है उससे ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। तो देखिए दो मिनट की कुकिंग के बाद हमने इसमें अब हम अपनी भिंडी डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और जब ये हम ठंडी हो जाती है तो उसमें इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। देखिए अब हम इसको एक से दो मिनट तक और इसको कुक करेंगे। और ये देखिए जैसे इसमें थोड़ी सी बबलिंग होने लगती है, हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। इसलिए हमने सबसे पहले इसको सौते किया था। तो बस अब हम अपनी गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करते हैं। तो ये आप चपाती के साथ, नान के साथ, कैसे भी आप इसको खा सकते हो। तो अगर आपको ये भिंडी बनाने का तरीका आज पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को बेल के साथ, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ये तरीका शेयर कर सकते हो। और यस, हर तरफ देखकर उम्मीद भरी नज़रें यूं कि अब छोड़ दी मैंने भी उम्मीद किसी से उम्मीद लगाने की। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ खुश रखें अपना तन और मन, और देखते भी रहें सोनियाज किचन।